बुद्धिहीन जलंधर स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार कर रहा है। ये तो अत्यंत दुखद स्थिति है। अब क्या होगा स्वामी? मैं भी वही सोच रहा हूँ देवी शची, जो तुमने कहा। सोचने से क्या होगा, उपाय करना होगा। क्या उपाय करूँ बताओ, क्या किया जा सकता है? स्वामी सुनिए। बार 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 एक ही संकट सिर पर आ पड़ता है। क्या मुझे चिंता नहीं है? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कुछ उपाय होना चाहिए। नारायण नारायण। देवराज आप तो चिंता के साथ साथ क्रोध भी करने लगे हैं। देवराज, अकेली चिंता ही वर्तमान खा जाती है, और क्रोध तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी खा जाता है। आप क्रोध न करें और चिंता भी न करें, केवल चिंतन करें। क्या करें देवर्षि, बार बार असुरों के आक्रमण होते हैं और हर बार यही चिंता लगी रहती है कि क्या उपाय करें। चिंता कर रहे हैं उपाय के लिए? नारायण नारायण। तो उपाय की चिंता करना छोड़ दे देवराज। चिंता छोड़ दो? तुरंत देवराज, तुरंत। आपके शुभ की चिंता करने वाले आपके शुभ चिंतक भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके संकट टल रहे हैं देवराज, अर्थात उपाय हो चुका है। नारायण नारायण। उपाय हो चुका है, संकट टल रहा है। देवर्षि, हमें तो ज्ञात हुआ है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। दिया था, परंतु जब आपको वो ज्ञात हुआ तब वो वर्तमान था, और अब वो भूतकाल की बात बन चुका है देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वो आदेश, वो परिस्थितियां काल का ग्रास बन चुकी है। नारायण नारायण। तो क्या जलंधर अब स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा? कैसे करेगा, आपके शुभ चिंतकों ने स्वर्ग से भी अधिक प्रिय और मधुर मधु उसके मुख पर लगा दिया है। अब वो स्वर्ग को भूलकर उसकी प्राप्ति के लिए उन्मत्त हो उठा है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। आप सदा ना समझने की भूल क्यों करते हैं देवराज? उबरे इस भूल से अब आप केवल इतना समझे कि परिस्थितियां बदल चुकी है। माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ लौट चुके हैं, तथा जलंधर की दृष्टि अब स्वर्ग पर नहीं कैलाश पर, जहां उसकी मृत्यु उसके लिए पाश गूंज रही है। नारायण 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 नारायण। राहु, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसके सर्वनाशी परिणाम पर भी विचार किया है अथवा नहीं? कहीं ऐसा ना हो भगवान शिव के कंठ का विष निकलकर तुम्हारे अमृत को सोख ले। नारद, क्या ऐसा होना संभव है? भगवान भोलेनाथ के लिए असंभव क्या है राहु? और फिर विधाता ने सृष्टि के आरंभ में ही दुष्टता और दुर्भावना का परिणाम विनाश ही लिख दिया था। सत्य कहो नारद, कहीं सर्वनाशी कामना का बीज दैत्य राज के मन में तुमने तो नहीं बोया? अरे राहु, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? नारद यदि किसी के मन में बोएगा तो वो निर्माणकारी और कल्याणकारी बीज ही बोएगा, परंतु असुर का मन तो बंजर धरती जैसा होता है। महानिर्माणकारी अथवा कल्याणकारी बीज बोना अर्थात व्यर्थ करना है। वैसे भी जो पूर्व निर्धारित है उसे टालना न तुम्हारे वश में है न मेरे वश में, अर्थात आगे बढ़ो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवादि देव शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे विपदा हरि भगवान शिव, मेरी विपदा हरो भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो भगवान, मेरी स्वामी को सद्बुद्धि दो देवेश्वर, उनको कुमार।
मार्ग पर बढ़ने से रोको, रोको। वृंदा, बंद करो हमारे शत्रु शिव की आराधना, ये तुम्हारा कुछ भी भला नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, ऐसे अपशब्द अपने मुख से न निकाले, किसी के प्रति किया गया अपमान पीड़ा का रूप धारण करके बहुत पीड़ित करता है। विश्वेश्वर शिव को अपना शत्रु समझने वाले का कोई भी मित्र शेष नहीं रह जाता। उसका अंत अत्यंत दुखद होता है। मैं आपकी पत्नी नहीं चाहती कि अपने स्वामी को दुखद स्थिति में देखूं। इसीलिए आप शिवद्रोही न बने स्वामी। शिवद्रोही? तुम शिव, शिव, मैं शिवद्रोही न बनूं, पर तू पतिद्रोही बनने के लिए तैयार है। मेरा शिवद्रोही बनना तुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या तेरा पतिद्रोही बनना मुझे सहन होगा? मेरे विरुद्ध जाकर तूने हमारी महारानी बने रहने का अधिकार भी खो दिया है वृंदा। अब मैं हिमालय पुत्री पार्वती को अपनी महारानी बनाऊंगा। बस करो। माता पार्वती के प्रति ऐसी मलिन भावना दिखाकर, उनके प्रति ऐसी अशुद्ध विचार रखकर सर्वनाश के समीप क्यों जाना चाहते हो? कौन करेगा मेरा सर्वनाश? जो सभी के सर्वनाश का कारण है, उस जलंधर का सर्वनाश कौन करेगा? शिव। अहंकार प्राणी की बुद्धि हर लेता है। बुद्धिहीन प्राणी की वाणी संयत नहीं रहती, वो अपनी सीमित शक्ति को असीमित समझने लगता है। किंतु असीमित शक्ति के अधिकारी तो केवल भगवान शिव ही है। भगवान शिव। शीघ्र ही तुझे शिव के शक्ति का ज्ञान हो जाएगा, जब पार्वती हमारे पार्श में आकर बैठेगी। हे विधाता, ये धरती भाग क्यों नहीं जाती? ये धरती भाग जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसलिए ऐसा कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। किंतु मेरे विवाह के शुभ अवसर पर ऐसा शुभ कार्य न करना। पार्वती के साथ मेरा विवाह हो जाने के बाद जो इच्छा हो कर लेना। मत भूलो महाबली कि मैं भी असुर राजकाल नेमी की पुत्री हूँ। अपने अधिकार और स्वाभिमान को आहत नहीं होने दूंगी। क्या करोगे तुम? पत्नी सदा पति का सम्मान करती है। मुझे विवश न करो कि मैं पति का अपमान कर बैठूं। मेरा अपमान करने वाला क्या आज तक जीवित बचा है? तुम काल नेमे की पुत्री और मेरी पत्नी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा इतना प्रलाप सुना। नहीं तो अब तक तुम काल के विकराल गाल में समा चुकी होती। स्वामी, स्वामी। ओम देवादि देव देवेश सर्व प्राणाभृतं वर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युञ्जय नमोस्तुते। गुरुदेव। ओम देवादि देव देवेश सर्व प्राणाभृतं वर गुरुदेव प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युञ्जय नमोस्तुते। गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारा परम शिष्य महाबली जलंधर तुम्हें प्रणाम करता है। सर्व प्राणाभृतावर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युञ्जय नमोस्तुते। ओम देवादि देव देवेश गुरु सर्व प्राणाभृतावर। ये कठोर मुद्रा प्राणिनाम मेरे प्रति उपेक्षा और मेरे प्रणाम के उत्तर में क्रोध, ऐसा क्यों गुरुदेव? मैं तो आप ही का पालित पुत्र हूं, मैं तो आपके आशीर्वाद की इच्छा लेकर आया हूं।
और आप हैं कि गुरु होकर मुंह फुलाए बैठे। मेरी ओर देखिए गुरुदेव, मेरी ओर देखिए गुरुदेव। मैंने आपकी इच्छा के अनुसार अपनी बहन लक्ष्मी और बहनोई विष्णु को अपने भवन से विदा कर चुका हूं। विदा कर चुके हो, किंतु उन्हें अपने यहां लाकर जो भयंकर भूल तुमने की है उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा जलंधर। मेरी दूर और दिव्य दृष्टि देख रही है कि तुम पर विनाश की काली छाया मंडरा रही है। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं ये श्वेष्ठ यज्ञ कर रहा हूँ। श्वेष्ठ यज्ञ विनाश की काली छाया मिटाने के लिए? गुरु, इसे विनाश की काली छाया मिटेगी नहीं और भी अधिक काली हो जाएगी। शिव हमारा शत्रु है, उसे प्रसन्न करने की नहीं उसे पराजित करने की आवश्यकता है। मैं उसे पराजित करूंगा और उसकी सुंदर पत्नी पार्वती को अपनी महारानी बनाऊंगा। तेरा सर्वनाश तेरे मुख से बोल रहा है जलंधर, अब तुझे महाकाल से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। अरे अदूरदर्शी, क्या बुद्धि और विवेक ने सदा सदा के लिए तेरा साथ छोड़ दिया है? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो गुरु? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम्हें इतना कुछ मुझसे कहना पड़ रहा है? पाप करते समय पापी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि वो पाप कर रहा है। तुम्हारी स्थिति भी वही है। अरे मसूर हुए तो क्या हो? हमारे भी कुछ रीति नीति और सिद्धांत है। पार्वती जगत माता जगदम्बा है और शिव शिव हमारे पूज्य है। उनके प्रति ऐसी कुत्सित भावना रखने वाले का कभी कल्याण हो सकता है? अपने मन से उनके प्रति कुछ विचार निकाल दो जलंधर। मैं इतना कच्चा और बुद्धू शिष्य नहीं हूं कि अपने गुरु की हर उल्टी सीधी बात मान लूं। पार्वती को अपनी महारानी बनाने का मेरा निश्चय अटल है। इसी कार्य के लिए मैंने राहु को कैलाश भेजा है कि वो शिव को जाकर कहे कि पार्वती मुझे सौंप दे। राहु वहां जाकर शिव से पार्वती मांगेगा। अवश्य मांगेगा। और यदि शिव ने सीधे सीधे मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और पार्वती को मुझे सौंप नहीं दिया तो मैं कैलाश पर आक्रमण करके पार्वती का बलपूर्वक अपहरण कर लाऊंगा। बस जलंधर बस, अब और अधिक नहीं सुना जाता। अपनी मनमानी को नियंत्रण में रख, अपनी इच्छा और कामना पर भी नियंत्रण रख जलंधर। पार्वती तेरी माता के समान है, उनके विषय में ऐसे विचार लाना घोर पाप है। उनके बस बस गुरु बस, बहुत हुआ। मैं जिसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ तुम बरबस उसे मेरी माता बनाए जा रहे हो। माता वही होती है जो पुत्र को अपने गर्भ से जन्म देती है। बार बार माता माता कह कह कर मुझे भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है गुरु। मैं यहाँ माता का पुत्र बनने की कामना लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पार्वती का पति बनने की इच्छा लेकर आया हूँ। और उसके प्राप्ति के इस अभियान में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा गुरु। नहीं, नहीं। ऐसे पाप कर्म में मैं तुम्हारा सहभागी कदापि नहीं बनूंगा।